मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या मिल्कीपुर के दौरे पर थे, खास तौर से कमरडंडा में जिस तरह से आज एक नर्सिंग कॉलेज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और देखा गया इस कॉलेज के प्रांगण में ही भव्य राम दरबार का यहाँ पर एक भव्य ये मूर्ति देखिए यहाँ पर आज लगा मंदिर बनी हुई है। आज इसी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और नर्सिंग कॉलेज के कैंपस में यह भव्य मंदिर बनी हुई है जहाँ पर देखिए भगवान राम लला विराजमान है, माता सीता विराजमान है, भ्राता लक्ष्मण विराजमान है, हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है। इस तरह से जो राम दरबार में जो प्रमुख भगवान है वो इस मंदिर में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मंदिर का आज उद्घाटन किया है, साथ ही जो प्रमुख संत रहे हैं रामानुजाचार्य जी के जो गुरुदेव रहे हैं उनके प्रतिमा का भी अनावरण किए हैं। महाराज जी क्या कहेंगे आज मुख्यमंत्री जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया है? बस इस क्षेत्र का कल्याण होगा, लोग आकर दर्शन करेंगे। यहाँ पर कोई ऐसा मंदिर नहीं था कई गाँवों के बीच में, तो सबको राम जी का हनुमान जी का दर्शन मिलेगा। और शिक्षा का कार्य पहले से चल ही रहा था तो एक ही प्रांगण में समग्र मानवीय सेवाएं यहाँ होने लगेंगी, शिक्षा भी, चिकित्सा भी, गौशाला भी, भगवान श्री राम का मंदिर भी, हनुमान जी भी। बादल में कहा भी था कि यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, इसका विकास करना है और विकास हो भी रहा है धीरे। हाँ बिल्कुल, यहाँ लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, रोड नहीं था, लेकिन ये सब विद्यालय अपने अयोध्या विद्यापीठ के निर्मित होने से यहाँ सब का विकास हुआ और सबको इसका लाभ भी प्राप्त हुआ। बगल में प्रतिमा का अनावरण हुआ है, महाराज जी के बारे में कुछ बताइए। महाराज जी बहुत सिद्ध महापुरुष थे, जिन्होंने भवन का निर्माण प्रारंभ किया तो स्वर्ण की सरफियाँ निकली थी, जिससे भंडारा पूरे अयोध्यावासियों का किया था, ऐसे सिद्ध पुरुष थे। और दूसरे महाराज जी बड़े दिव्य महामानव पुरुष थे, जिनका आज भी संत समाज में पूरे देश में लोग स्मरण करते हैं, कैसा दिव्य स्वरूप किसी संत का नहीं था और न है, जैसा पूज्य हमारे गुरुदेव स्वामी माधवाचार्य जी महाराज का था। हम लोग चलते हैं और जो ब्रह्मलीन जिनकी प्रतिमा लगी हुई है स्वामी जी के बारे में आपको बताते भी हैं और दिखाते भी हैं, और अपने हम सहयोगी से कहेंगे हमारे साथ चले आए। और पहला तो ये मंदिर का कार्यक्रम का जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन करके संपन्न कराया, और साथ ही आप देखिए ये वो प्रतिमा है, आप देखिए ये बहुत ही दिव्य प्रतिमा है। आप लोग बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर ये जो आचार्य जी हैं इसमें लिखा है जगदाचार्य परमाचार्य रत्न स्वामी श्री मधुसूदनाचार्य जी महाराज, ये इनकी देखिए भव्य और दिव्य प्रतिमा है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। हम दूसरे प्रतिमा और की ओर आपका ध्यान दिखाना चाहते हैं। ये देखिए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री माधवाचार्य श्री महाराज जी, तो इनके भी प्रतिमा का अनावरण आज मुख्यमंत्री जी ने किया है। देखिए यहाँ पर कुछ श्रद्धालु लोग भी आए हुए हैं, आज क्या कहेंगी कुछ बोलेंगी अपने महाराज जी बारे में? अब आप ज्यादा जानते हैं, आप इनको याद है, मैं तो बहुत टाइम बहुत अच्छा, ये हमारे गुरु बचपन से इनको जानते हैं, हमारे घर भी आते थे, ये भागवत वगैरह सुनी हुई है कई बार, हमारे नाना जी ने इनको मतलब शुरू से माना है, उन्हीं ने ही सब कुछ किया है। पुरानी यादें हैं जब ये लोग बचपन में थी, छोटी थी, तब से महाराज जी को जानती हैं, तब से इनका पूजा पाठ इनके द्वारा संपन्न हुआ करता था। तो आज ये जो दो प्रतिमाएं हैं इन प्रतिमाओं का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया, साथ ही इसी कैंपस में राम दरबार मंदिर का भी उद्घाटन किया, और उसके बाद मेन जो कैंपस है वहाँ पर वह जाकर अयोध्या वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर लखनऊ के लिए उड़ गया। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक, सात रागवन पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।